तमिलनाडु में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आने से बवाल मचा है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तमिलनाडु के नागापट्टनम के वेदारण्यम में दो गुटों में हुई झड़प के बीच अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के मामले से बवाल और बढ़ गया है। सोमवार को कोयंबटूर बस अड्डे पर एक तमिल समूह ने पत्थर फेंके। इस पत्थरबाजी में दो बसों के शीशे टूट गए, लेकिन इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महापुरुषों की प्रतिमाएं तोड़ने की ये कोई पहली घटना नहीं है। बीजेपी सरकार के आने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आते रहना एक आम सी बात हो गई है। बता दें कि साल 2019 अगस्त में यूपी के सैनी क्षेत्र के रामपुर धमवा गांव में अनुसूचित जाति के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की थी, जिसे रात के वक्त अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। अगस्त में ही आजमगढ़ के दो गांवों मिर्जा आदमपुर और श्रीकांतपुर गांव में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इलाके में भारी तनाव की स्थिति बन गई थी। साल 2018 अप्रैल में मध्य प्रदेश के सतना और भिंड में अंबेडकर की मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियां क्षतिग्रस्त करने की घटनाएं सामने आई थी। अप्रैल में ही राजस्थान के राजसमंद में बापू की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया गया। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के वक्त माकपा के हारने के बाद रूसी क्रांति और वामपंथी विचारधारा के प्रतीक माने जाने वाले व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा को जेसीबी मशीन से ढहा दिया गया था, जिसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में महानायकों की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तमिलनाडु में पेरियार की प्रतिमा तोड़ी गई, पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर कालिख पोती गई, केरल में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। साल 2018 में जयपुर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कालिख पोतने और उस पर ISI जिंदाबाद के नारे लिखने से सनसनी फैल गई है। लगातार सामने आ रही मूर्तिकांड की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने कदम उठाया था कि महानायकों की मूर्ति के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जो भी ऐसा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आए दिन सामने आ रही इस तरह की घटनाओं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इस मामले में कितनी गंभीर है। रोमाना अल्वी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।